So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law, and today we are going to discuss about the exam pattern that is going to be applicable for audit and law for May 19 exams and onwards. So May 19 exams se jo hamara exam pattern hai wo badalne wala hai. और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मई में एग्जाम दे रहे हैं या जिनके एग्जाम नवंबर में हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर क्या पैटर्न रहने वाला है अब मई 19 से एमसीक्यूज के आने के बाद. व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, इन व्हाट मैनर द एग्जाम इज गोइंग टू बी आस्क्ड, और वो जो 3 घंटे का एग्जाम का स्लॉट है उस 3 घंटे के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस करें, हम किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम फॉर मई 19 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स. And second thing we are going to discuss is that कि in the exam hall 3 घंटे के अंदर हमें कैसे management करनी है, हमें पहले कौन से questions attempt करने हैं, हमें बाद में कौन से questions attempt करने हैं, हमें कितना time किन चीज़ों पर लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें. तो ये दो चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं सर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियोज भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और फिर आगे बढ़ना, राइट. सो देखना, सबसे पहले मे 19 की अगर मैं बात करूँ तो गुड न्यूज़ क्या है मे 19 स्टूडेंट्स के लिए. दो गुड न्यूज़ है मे 19 स्टूडेंट्स के लिए. एक तो पहली बार यू नो आपको क्या मिलने वाला है, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाला है. और साथ ही साथ पहली बार यू नो नॉट पहली बार बट 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि इलेक्शंस की वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का, और आप वो फॉर्चुनेट लॉट में से हो कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को बिलोंग करते हो. मतलब एक तो आपके पास 30 मार्क का एमसीक्यूज का बेनिफिट है और एक 26 मार्क्स का आपके पास एक्सटेंडेड पीरियड है. ये दोनों बेनिफिट्स आपके साथ हैं, मतलब सोने में सुहागा है ये तो. ऑल द सिचुएशंस आर इन योर फेवर, मतलब कायनात भी चाहती है कि इस बार तो तुमको सीए बना के रहना ही रहना है. 30 मार्क्स एमसीक्यूज भी साथ में और 26 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी साथ में. लेकिन साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी है. बैड न्यूज़ क्या है कि जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है ना, जब से ये 26 मार्क्स डेज का एक्सटेंडेड टाइम स्लॉट आ गया है तब से स्टूडेंट लेजी बन गया है. उसका एटीट्यूड काइंड ऑफ कैजुअल बन गया. ठीक है यार, 26 डेज का एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिल गया मेरे को, आई कैन यू नो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ मैं. और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि भाई एक बच्चे ने 2 मई के लिए शेड्यूल किया था कि भाई 2 मई के अंदर मुझे एग्जाम्स देने हैं, और पता चल रहा है कि ऑलरेडी लेट अस से कि जो टारगेट या जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया था कि 15th अप्रैल तक या 20th अप्रैल तक अपने को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो स्ट्रैटेजी को हम क्या नहीं कर पा रहे, मीट नहीं कर पा रहे बिकॉज हम थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं कि एग्जाम डेफर हो गया है. प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज बी केयरफुल. दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. ये गेम चेंजर रहने वाला है. कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को यू नो समझ लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेंगे कि हाँ भाई 26 डेज एक्सटेंड हुआ है और मुझे इसका फुल ऑन यूटिलाइजेशन करना है, अपने सिलेबस को 3 बार फालतू रिवाइज करना है. बट ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनके लिए जो 2 मई की कहानी थी वही 26 मई में कहानी रहने वाली है, वही 27 मई में कहानी रहने वाली है. 2 मई तक भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ था और 27 मई तक भी सिलेबस खत्म नहीं होगा. तो भाई इन दैट पर्टिकुलर scenario, this 26 days of extended thing is not going to work for you in a positive manner. Rather, this will work for you in a negative manner. लेकिन अगर आपने 26 days की importance को समझ लिया तो obviously ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा positive manner पे काम करने वाला है. So be very very careful. Now challenges क्या होने वाला है हमारे सामने? What is going to be the challenge? What is going to be the biggest challenge for May 19 students? That is the changing exam pattern and you are going to face that pattern for the first time. चलो जो बच्चा November 19 को एग्जाम दे रहा है, उसके बाद एग्जाम दे रहा है, उनको एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या पैटर्न है. बट जो बच्चे मे 19 एग्जाम्स में यू नो अपीयर कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार दैट चेंजिंग एग्जाम पैटर्न. जो बच्चा पहले से स्पेशली एग्जाम दे रहा है उसको कम्प्लीटली एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा. सो थोड़ा सा हमारा जो साइकोलॉजी है उस पर इम्पैक्ट डालता है वो. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू पैटर्न. हमारा न्यू पैटर्न क्या रहने वाला है तो देखना, एज सच कोई न्यू पैटर्न फिक्स्ड नहीं है. बट एज एविडेंट फ्रॉम द मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट, दिस इज द एस्टिमेटेड पैटर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम्स. एंड लॉ एंड ऑडिट की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट दैट इज ऑडिट एंड लॉ. सबसे पहले जो अगेन MCQs है, MCQs पूछे जाने वाले हैं 30 मार्क्स और OMR पैटर्न में ये MCQs पूछा जाएगा, राइट. 30 मार्क्स का MCQs पूछा जाएगा, 30 मार्क्स के अंदर भी 1 मार्क्स के 10 MCQs पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 10 MCQs पूछे जाएंगे. तो जो 1 मार्क्स के 10 MCQs होंगे वो जनरली छोटे MCQs होंगे और जो 2 मार्क्स के 10 MCQs होंगे वो जनरली बड़े MCQs होंगे, केस स्टडी टाइप MCQs होंगे. उसके बाद
तो दिस इज हाउ द एमसीक्यूज इज गोइंग टू बी आस्क्ड. और सबसे मेन चीज ये है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि एमसीक्यू कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट होगा. एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी होगा, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आपके लिए ऑप्शनल नहीं होगा. इट विल बी कंपलसरी थिंग फॉर यू. और 30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाने वाला है, 1 मार्क्स इंटू 10 एंड 2 मार्क्स इंटू 10. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही सिंपल पैटर्न लिया इंस्टीट्यूट ने. एवरेज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी ऑफ 14 मार्क्स. हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सेट जो होगा ना 14 मार्क्स का होगा. उसके अंदर भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी में से चॉइस होगा, दैट यू कैन लीव एनी वन. अब जो पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो 14 मार्क्स का सेट रहेगा हमारा. इट कैन आदर बी ए पैटर्न ऑफ 5, 5 एंड 4, मतलब 2-5 मार्क का क्वेश्चन, 1-4 नंबर का क्वेश्चन. इट कैन बी ए पैटर्न ऑफ 4, 4 एंड 6, मतलब 2-4 नंबर का क्वेश्चन, 1-6 नंबर का क्वेश्चन. एंड इट कैन ऑल्सो बी ए पैटर्न ऑफ 4, 4, 3 एंड 3, मतलब 4 मार्क के 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क के 2 क्वेश्चन. तीनों में से कोई भी पैटर्न आपको दिखने को मिल सकता है, अपने दिमाग को सेट कर लें. 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, ये देखने को भी मिल सकता है. 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ये देखने को भी मिल सकता है. और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन एंड 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको ये देखने को भी मिल सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट. अब सपोजिंगली अगर वो थर्ड पैटर्न फॉलो कर लेता है, इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपीज रिलीज किया है, एमटीपीज के अंदर जनरली उसने फर्स्ट 2 पैटर्न फॉलो किया है, बट सपोजिंगली वो एग्जाम में आपको सरप्राइज करता है और आपके सामने थर्ड पैटर्न रखता है, दैट इज 4, 4, 3 एंड 3. अब ये जब पैटर्न वो रखेगा ना आपके सामने, तो यहाँ पे अगर ऐसा करता है इंस्टीट्यूट, तो आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ा हो जाएगा. चैलेंजिंग सिचुएशन क्या खड़ा हो जाएगा कि अगेन पेपर जो है लेंथी बन जाएगा, पेपर इज गोइंग टू बिकम लेंथी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर सपोजिंगली ऐसा होता है कि वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कंटेंट शॉर्ट कर दोगे. ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का कंटेंट है तो आप कंटेंट को छोटा कर दोगे. भाई जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बतानी ही होगी, आप उसमें ज़्यादा कट शॉर्ट नहीं कर सकते हो, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे. यू कैन नॉट स्केल डाउन द साइज ऑफ द आंसर्स. आप आंसर को स्केल डाउन नहीं कर सकते हो. सिमिलरली अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क का है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है यार, 4 मार्क्स में शायद आधा पेज भी लिख दूँ तो काम चलेगा, या 5 मार्क में मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा. या काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, सर 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या साइज होना चाहिए आंसर का, 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या साइज होना चाहिए आंसर का, सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या साइज होना चाहिए, या 3 मार्क्स में क्या होना चाहिए. देखना, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, यस, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स है या 8 मार्क्स है, सपोजिंगली क्वेश्चन 6 मार्क्स है या 8 मार्क्स है, तो आपका लेंथ वहाँ पे ज़्यादा होता है जनरली. बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन 4 नंबर का है तो लेंथ कम होगा, 5 नंबर का है तो लेंथ ज़्यादा होगा. प्रैक्टिकली व्हाट कैन हैपन इज दैट, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है और दोनों 4 मार्क्स के हैं. अब आपको मैं कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं बता सकता कि बेटा 4 नंबर के लिए तुमको 1 पेज लिखना है, या 4 नंबर के लिए तुमको 1.5 पेजेस लिखना है, या 4 नंबर के लिए तुमको आधा पेज लिखना है. हो सकता है एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंसेस बाय ए पीयर रिव्यूअर, एंड वो 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं. अब 3 ही पॉइंट्स है तो मैं जबरदस्ती 3 पॉइंट्स क्रिएट नहीं करूंगा कि क्वेश्चन 4 नंबर का है तो भाई 3 ही पॉइंट्स है, मुझे जबरदस्ती पॉइंट्स क्रिएट करना है. नहीं, आई विल राइट ओनली 3 पॉइंट्स. ऑन द अदर हैंड, एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर मस्त वाला बन गया 4 नंबर का, एक क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर मस्त वाला बन गया 4 नंबर का, कंपनी ऑडिट के ऊपर बन गया, एंड हो सकता है कि वहां पे आंसर 2 पेज तक भी चला जाए. तो प्रैक्टिकली अगर वो आंसर 2 पेज का जा रहा है, कोई बात नहीं, 2 पेज जाने दो. अगर वो आंसर आधे पेज में समेट रहा है तो कोई बात नहीं, आधे पेज में खत्म हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. याद रखना, साइज से ज्यादा क्वालिटी मेंटेन मैटर करता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैटर करता है, राइट. साइज इतना मैटर नहीं करता. अगर क्वेश्चन 3 मैथड्स है, आप 3 मैथड्स लिखें, जबरदस्त 3 मैथड्स क्रिएट ना करें. अगर कोई क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स का लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का पूछा गया है, तो रिक्वायरमेंट को कट शॉर्ट ना करें कि क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है. सो पार्टिकुलरली दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्यादा आंसर दोगे, राइट. अब एक सवाल और उठता है कि सर, एक सवाल और उठता है, दो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सर पेपर में पहले क्या अटैम्प्ट करना है, हमें पेपर के अंदर एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. और दूसरा सवाल एक और मैं एड्रेस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि सर एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करना है, एमसीक्यूज को प्रिपेयर कहाँ से करना है. सो बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू आंसर. तो सबसे पहले मैं एमसीक्यूज अटैम्प्ट करूं सर, या मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूं? आप पेपर के अंदर पहले एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें, पहले एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें, मगर एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें, एमसीक्यूज उतना सिंपल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो. एमसीक्यूज उतना सिंपल नहीं होगा. आप डेफिनेटली पेपर में पहले एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें, लेकिन एक पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, उस पैटर्न को दिमाग में सेट कर लें. 10 से 12 नंबर के एमसीक्यूज, जहां तक मेरा एस्टिमेट है, इट इज गोइंग टू बी इजी एंड मैनेजेबल. 10 मार्क तक का एमसीक्यूज, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट यू नो
अगर आपके रिविजन्स प्रॉपर हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रॉपर है, तो वो मैनेज कर लोगे आप. और करीबन 8-10 नंबर का MCQs आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ. कम से कम 10 नंबर का इंस्टीट्यूट MCQs ऐसा पूछेगा कि भाई दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा. अभी हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई अभी से दिमाग में असेसमेंट बना दो, राइट. यानी कि आपको सबसे पहले उन 10 से 12 नंबर के सिंपल MCQs को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो MCQs आपको लगता है आप अटेम्प्ट कर सकते हो उनको आइडेंटिफाई करना है. याद रखना, भले ही तुम पहले MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा भेजा फ्राई करने वाला है, ये क्वेश्चन मेरा दिमाग खराब करने वाला है, आप अपना दिमाग खराब मत होने देना. आप उन MCQs को मार्क कर लेना, आगे बढ़ जाना, डिस्क्रिप्टिव की तरफ बढ़ जाना. यू कैन कम बैक टू दोज MCQs लेटर. याद रखना, 30 नंबर के MCQs में से 20 नंबर तक लाना मैनेजेबल होगा, बट प्रैक्टिकली 20 नंबर से ऊपर जाना इतना इजी नहीं होगा. अब आप बोलोगे सर आप हमें डिस्करेज कर रहे हो, हम तो टारगेट बना के रखे हैं कि भाई 30 में से हम 25 नंबर के MCQs करेक्ट कर लेंगे, हम 30 में 25 सिक्योर कर लेंगे, हम 30 में 28 सिक्योर कर लेंगे, और मैंने इसके लिए 2000 MCQs प्रैक्टिस कर रखा है, मैंने मार्केट की हर रेफरेंस बुक परचेज कर रखी है, मैं तो सारे सोर्सेज से MCQs प्रैक्टिस करता हूँ. तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होने वाला. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि अगर MCQs आ गया तो क्या पास परसेंटेज हमारा 50 हो जाएगा? अगर MCQs आ गया तो क्या लॉ ऑडिट में आपको 80 मार्क्स मिलने लग जाएंगे? नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. MCQs उतना सिंपल नहीं रहेगा, MCQs उतना सिंपल नहीं रहेगा. और आप चाहे 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आप चाहे एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करने वाला है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है, आपने नंबर ऑफ रिविजन्स कितना कर रखा है, नंबर ऑफ MCQs यू हैव प्रैक्टिस्ड एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू मैटर ए लॉट. बट आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, नंबर ऑफ रिविजन्स कितना है एंड माइंड का अप्रोच क्या है, दैट इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट. वो सबसे ज्यादा क्या करने वाला है, मैटर करने वाला है. अगर कोई भी MCQ ऐसा आता है बीच में जो आपका दिमाग का भेजा फ्राई कर रहा है, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, दिमाग मत लगाना. याद रखना, 30 नंबर में से अगर तुम 28 नंबर के पीछे भागोगे, 30 मार्क्स के पीछे भागोगे, कोई एंड नहीं है. यू हैव टू, आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट का, तब भी आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि मैं वो ले आऊंगा. लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ाई करी है, 4-5 बार सिलेबस रिवाइज किया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ आपने जोर दिया है, 30 में से 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, राइट. अब एक और चीज यहां पे, सर ये जो MCQs है इसको प्रिपेयर कहां से करें, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर? मैंने देखा है जनरली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एक स्टूडेंट है भाई, मार्केट में जितने रेफरेंसेस बुक हैं वो उठा लेता है, जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने ऐप्स हैं जहां MCQ के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो उन चीज़ों के पीछे चला जाता है कि भाई मुझे यहां से भी MCQs करनी है, मुझे वहां से भी MCQs करनी है, मुझे वहां से भी करना है. प्रैक्टिकली यार देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो. यस, द MCQs आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट यार, 30 मार्क्स का MCQs है, बट MCQ इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज टू बी डन इन एग्जाम. अगर पेपर 100 नंबर का MCQ पैटर्न के पीछे होता और फिर अगर तुम ये काम कर रहे हो तो मुझे समझ आता, लेकिन आप क्या ब्लंडर कर रहे हो यार, क्या ब्लंडर कर रहे हो. आप 30 मार्क्स के MCQ के लिए सारे रेफरेंस बुक्स चेक कर रहे हो, 1000-1000 MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, 2000 MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप ये भूल चुके हो कि बॉस आज भी पेपर 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आने वाला है, केस स्टडी के फॉर्म में आने वाला है आज भी. एंड उस 70 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ टिक टिक लगाने से नहीं होने वाला. और पता चला कि आप इतने MCQs के पीछे पागल हो चुके हो कि आपने रिटर्न प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया है और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में आपके हाथ भी नहीं चल रहे. जबकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है, ICI ने खुद का MCQ का लिस्ट रिलीज किया, ठीक है. जैसे कुल मिलाकर अगर मैं सारे MCQs को कंसोलिडेट कर दूं जो भी ICI ने रिलीज किया, तो अराउंड 120 MCQs होता है ऑडिट के अंदर, लॉ के अंदर, एंड सेम फॉर DT, IDT एंड इसका. तो एक तरफ एक स्टूडेंट होगा जो 2000 MCQs पागलों की तरह करते जा रहा होगा, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट होगा जिसने पहले वो 120 MCQs 4 बार कर रखा होगा और फिर जो भी टाइम फ्रेम अवेलेबल है उस हिसाब से बाकी MCQs प्रैक्टिस कर रखा होगा. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जाम इज दैट 30 नंबर में चांसेस हैं कि 10-12 नंबर वही MCQs की लिस्ट में से आएगा जो ICI ने दिया है. अगर MCQ सेम आया तो उसी लिस्ट में से आएगा जो ICI ने दिया है, और अगर MCQ सेम नहीं आया, अलग आया, तो याद रखना वो कहीं से भी नहीं हो रहा होगा. आपने 2000 MCQ उसकी लिस्ट कर ली, वहां से भी वो नहीं हो रहा होगा. और अगर उस 2000 MCQ की लिस्ट में वो MCQ था, तब भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने उसे मुश्किल से एक बार देखा होगा. बट प्रैक्टिकली एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने ICI के MCQ उसको 4 बार देख रखा है, वो तो देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा ये 10 नंबर वो वाला MCQ है, वो तुरंत उसको टिक लगा देगा और पता चलेगा देखते देखते 10 मिनट के अंदर उसने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए. और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 10 मिनट के अंदर 10 मार्क्स सिक्योर कर लिया, उसके क्लियर होने के चांसेस तो अपने आप इंक्रीज हो गए.
तो एमसीक्यू उसके प्रिपरेशन के लिए जो मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, बाकी आपकी मर्जी है, दैट कोई भी 4-5 रेफरेंस बुक्स के पीछे मत भागो, मल्टीपल चीजों के पीछे मत भागो। याद रखो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव को भी मुझे जस्टिफाई करना है। आप पहले आईसीआई के एमसीक्यूज करें, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, नंबर ऑफ रिविजन्स करें, फिर आईसीआई के एमसीक्यूज करें, फिर कोई भी एक रेफरेंस बुक आप चूज कर सकते हो एंड एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से कर सकते हो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट लास्ट इट इज द कॉन्सेप्ट, इट इज द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट इज गोइंग टू मैटर, एंड रिपीट होने के चांसेस ज्यादातर आईसीआई की एमसीक्यूज लिस्ट में से हैं। उसके बाद अब देख लेना एक और चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू जब आप पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में, ऐसा नहीं करना कि पता चला कि आपने एक घंटा एमसीक्यूज के पीछे ही लगा दिया, बैठे हो एक घंटा एमसीक्यूज के पीछे ही लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 45 मिनट्स आपको एमसीक्यूज को देना है मैक्सिमम, और 45 मिनट के एमसीक्यूज देखकर आपको टारगेट करना है कि मुझे 20 मार्क्स फ्रीज कर लेना है वहां से, 20 मार्क्स 45 मिनट्स मुझे एमसीक्यूज के लिए देना है और 20 मार्क्स मुझे वहां से फ्रीज कर लेना है। अब जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसके लिए मेरे पास कितना टाइम बचता है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम स्पेन बचता है। अब याद रखना इस 70 मार्क्स के अंदर भी अपना माइंड पहले से सेट कर लेना, सपोज अगर ऑडिट का पेपर है तो 10 मार्क्स 70 में से आ जाएगा इंड एएस से, जीएसटी से, या कम से कम कॉमन सेंस बेस्ड एरिया से, शेड्यूल 3 और समथिंग लाइक दैट। 60 मार्क्स में से आप मान के चल सकते हो कि 40 नंबर रिपीटेड होगा, कॉमन होगा, इजी होगा, 20 मार्क्स नया होगा, चैलेंजिंग होगा। सो दिस इज अ पैटर्न यू आर गोइंग टू गेट। तो पार्टिकुलरली आपको भी 70 मार्क्स में से जो 10 या 15 नंबर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में से होगा या चैलेंजिंग होगा, जैसे ऑडिट के अंदर इंड एएस है, शेड्यूल 3 है, जीएसटी है, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लॉ के अंदर रूल से उसने क्वेश्चन पूछ लिया, या पेनल्टी के अंदर से कहीं उसने स्क्रैप क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, तो वो जो 10 से 15 मार्क्स का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा टफ जोन में आता है, आप एक बार उसको साइड कर देना, आप उसमें दिमाग मत लगाना, आप उसके लिए दिमाग नेगेटिव मत करना। एक ऐसा बच्चा होगा जो 6 या 7 टफ एमसीक्यूज देखेगा, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टफ देखेगा और अपना दिमाग खराब कर लेगा कि यार क्या पेपर पूछ लिया। जिस भी टीचर से उसने क्लासेस ले रखी हैं वहाँ गाली देना स्टार्ट कर देगा अपने टीचर को कि यार उसने मुझे ये चीज़ तो कराया ही नहीं, और पता चलेगा कि उसने अपना माइंडसेट इतना नेगेटिव कर लिया है कि जो उसे आता था वो भी वो लिख नहीं पा रहा है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा स्टूडेंट है जो ये सोच रहा है कि ठीक है यार क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ है, क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ है, क्वेश्चन टफ है तो चेकिंग इजी होगा, एंड अगर मेरा प्रिपरेशन अच्छा है तो मैं बाकियों से बेटर करने वाला हूँ या बाकियों जितना ही अच्छा करने वाला हूँ। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो ना, आप पॉजिटिवली उस चीज़ को लोगे और जो 50 मार्क्स 70 मार्क्स में जैसे जो 50 मार्क्स आपको आता है पहले आप उस पर फोकस करोगे और उसे लिख दोगे। जब 70 में से 50 मार्क्स आप फोकस करोगे पहले और उसे लिख दोगे, फिर 20 मार्क्स में आप दिमाग लगाओगे कि जितना भी लिख सकता हूँ, जैसा भी लिख सकता हूँ, जो भी रेलिवेंट चीज़ें मुझे आती हैं वो रेलिवेंट चीज़ें मैं लिख देता हूँ, और वो भी सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें ही लिखनी है, सिर्फ ज़बरदस्ती टाइम पास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पूछ रहा है मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और पेपर भरते जा रहा हूँ। 12th के एग्जाम है नहीं कि सिर्फ पेपर भर दिया मार्क्स मिल जाएंगे, सी ए फाइनल का एग्जाम है, क्वालिटी आंसर्स आर रिक्वायर्ड। तो ठीक है 70 नंबर में से भी मुझे जो 40-50 नंबर आता है मैंने पहले उसे अच्छे से लिख दिया, फिर जितना टाइम बचता है उस हिसाब से मैंने उस 20-30 मार्क्स में भी चूज कर लिया और जिसमें भी मुझे जितना रेलिवेंट आता है उतना मैंने लिख दिया। बिलीव मी, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर आपके नंबर ऑफ रिविजन्स अच्छे थे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से किया है, अगर आपने चीज़ों को इंटरलिंक प्रॉपर्ली किया है, जो भी चीज़ हमने क्लास के अंदर डिस्कस करी थी, जो भी इंटरलिंकिंग सीखा था, जो भी प्रेजेंटेशन सीखा था, अगर आपने वो चीज़ें प्रॉपर्ली की है, 70 मार्क में 40 नंबर लाना टफ नहीं होगा। 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाना बहुत ही मैनेजेबल है, बहुत ही सिंपल है। तो 70 में से 40 नंबर आ गए, 30 नंबर के एमसीक्यू से 20 नंबर आ गए और यहाँ मेरा लॉ ऑडिट के अंदर एग्जामिनेशन बन गया, आई हैव गॉट दैट एग्जामिनेशन मार्क्स। अगर मैंने और बेटर कर लिया मैं 70 के जोन में चला जाऊंगा, थोड़ा सा कम भी रह गया तो 50-55 के जोन में रहूंगा ही रहूंगा। सो दिस इज ए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या है, एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। पहले 30 मार्क्स का एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है बट 45 मिनट्स के अंदर कवर कर लेना है, फिर 2 आवर 15 मिनट्स के अंदर भी पहले मुझे 50 मार्क्स को सिलेक्ट करना है, उन 50 मार्क्स को मुझे क्या कर लेना है, पहले 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर लेना है या 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर लेना है, और फिर बचे हुए 15-20 मिनट में मुझे वो 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे ज़्यादा नहीं आता था, जिसमें मैं एनीवेज ज़्यादा नहीं लिख सकता था, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है सर, आपको ध्यान रखनी है। बट याद रखना, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सुनने में ईजी लगता है, यू फील कि ठीक है यार जाऊँगा मैं लिख लूँगा मैं कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली बिलीव करो यार, जब तुम लिखने लगोगे तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे। जब एक बच्चा लिखने लगता है उसका हाथ कांपने लगता है, वहाँ पे वो लिख नहीं पाता। तुम्हारे पास थॉट्स होते हैं बट तुम लिख नहीं पा रहे होते, यू नो द कंटेंट बट तुम लिख नहीं पा रहे होते, तुम्हें चीज़ें याद आ रही हो रही होती है बट तुम लिख नहीं पाते।
क्या क्या तुम सिली मिस्टेक्स कर देते हो तुम्हें भी नहीं पता। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है तुमसे, दिल से रिक्वेस्ट है तुमसे, मेक श्योर यू डू ए लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस। याद रखना ऑडिट का एग्जाम है या लॉ का एग्जाम है, आपको 100 नंबर का पेपर लिख के आना है, ऑरल एग्जाम नहीं है। मेक श्योर यू डू ए लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अब बहुत सारा रिटन प्रैक्टिस करें, मेक श्योर सबसे बेस्ट रहता है कि आप जितना हो सके उतना टेस्ट दें, किसी से इवैल्यूएट कराएं, अपनी कमियां को जानें, अपनी कमियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। अपना मेंटर जो हमारा वेबसाइट है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.apnamentor.com, उसने भी टेस्ट सीरीज का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड किया है, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी सुपर्ब, द इवैल्यूएशन आई कैन गारंटी यू इज वेरी गुड। तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर सपोजिंगली आप नहीं लेते हो किसी रीजन से टेस्ट सीरीज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मेक श्योर कि सपोज आप ICAI का MTP भी सॉल्व करते हो तो मेक श्योर कि ICAI का MTP आप खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद आप आंसर्स खुद से इवैल्यूएट करो, और अगर आपको इवैल्यूएशन नहीं आता तो एनीवन हु इज गुड एट इवैल्यूएटिंग थिंग्स आप उससे इवैल्यूएट करो, या तो आप टेस्ट पेपर्स ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहाँ हमारी टीम इवैल्यूएट करके आपको देगी, या फिर आप खुद से ICAI का MTP वगैरह लेके सॉल्व करो, खुद इवैल्यूएट करो या किसी और से इवैल्यूएट कराओ, बट मेक श्योर कि यू डू दैट। बिकॉज क्या होगा कि जब तुम 100 नंबर का पेपर लिखोगे, जब तुम 100 मार्क्स का पेपर लिखोगे या जब तुम चैप्टर वाइज पेपर्स लिखोगे, तो क्या होगा कि तुमको समझ आएगा तुम्हारी औकात कितनी है, तुमको कितना आ रहा है, तुम कितना लिख पा रहे हो। अगर तुमको आता है तो तुम उस टाइम फ्रेम के अंदर लिख पा रहे हो कि नहीं, तुम कौन कौन से सिली मिस्टेक्स करते हो, वो सारी चीज़ें तुमको समझ में आने वाली है। क्लियर है, वो सारी चीज़ें तुमको समझ में आने वाली है। और जो मार्किंग का काम है ना, जैसे कि 30 MCQs में से कौन सा 5-6 बहुत ट्रिकी MCQs दिख रहा है, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन मेरे को मैनेजेबल लग रहा है, वो सारा मार्किंग का काम आप क्या कर लोगे, जो आपका 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है ना, वो सारा मार्किंग का टाइम आप उस टाइम फ्रेम पे कर लोगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना एग्जम्पशन लाना टफ नहीं है, लॉ ऑडिट के अंदर एग्जम्पशन लाना टफ नहीं है, बस आपको एक स्मार्ट वर्कर बनना है, हार्ड वर्कर नहीं बनना है, आपको प्रॉपर प्लान करना है, आपको अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को समझ लेना है, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन एग्जाम, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स, राइट। तो अगेन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एग्जाम पास है आपका, जिसने भी वीडियो देख लिया है वीडियो फटाफट बंद करें, अपने बुक्स खोलें और बुक्स खोल के पढ़ना स्टार्ट करें, टाइम कम है और टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, आपको टाइम के साथ चलना होता है, तो टाइम के साथ चलते जाओ, एंड मेक श्योर कि आपको टाइम को अपने से आगे निकलने नहीं देना है, बिकॉज अगर टाइम आपके से आगे निकल गया तो आपको फिर से 6 महीना वेट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली हम लोग वैसा नहीं करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि तुम लोग CA बनने वाले हो, यकीन है तुम लोग CA बनने वाले हो, अपने एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, मेरे प्रेयर्स मेरे विशेष तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के विशेष तुम्हारे साथ हैं, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर इट। जस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी इन माइंड, जस्ट कीप दैट एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी इन माइंड, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट किल इट। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड स्टे कनेक्टेड विथ फ्यूचर फॉर फ्यूचर वीडियोज। एंड यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अपना मेंटर का जो हमारा वेबसाइट है उसके अंदर भी जाके आप क्या कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से काफ़ी सारे काम की चीज़ ले सकते हो, काफ़ी सारी काम की चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि ICAI का फ्री MCQs का सेक्शन हमने डाल रखा है वहाँ पे, ऐसे बहुत सारी काम की चीज़ें डाल रखी हैं, और सिमिलरली टेलीग्राम चैनल के अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।